हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है कि अलजेब्रा होता क्या है। तो अलजेब्रा को अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो मैथ का एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करके मैथमेटिकल टर्म्स को देखते हैं। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वैसा वैल्यू जैसे कि ये एक्स है, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे वैल्यूज का क्या है, हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता। इनका वैल्यू डिपेंड करता है जिस इक्वेशन में इनको पुट किया गया। जैसे कि अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू हम लोग 4 कर दें तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस x का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कांस्टेंट, कौन सा इक्वेशन इसमें यूज हुआ, किस तरह के मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशंस को यूज किया गया है। इसलिए एक्स को या ऐसे अल्फाबेटिक टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल, और ये जो टर्म्स हैं 2 हो गया, 8 हो गया, ये सारे टर्म्स जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों, क्योंकि इनका वैल्यू होता है फिक्स और वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिक्स करते हैं मैथमेटिकल्स टूल्स को यूज करके, कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इनको यूज करके जब हम लोग इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तब हमें एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4x, इसका मतलब क्या है, ये 4 और मल्टीप्लाई में x है, तो 4x, तो यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट टर्म है और x एक वेरिएबल है, दोनों मिलके क्या एक टर्म बना अलजेब्रा का। तो इसी तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, जो कि मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लें आर्यश अग्रवाल का, तो 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, यहाँ पे आप देखो एक वेरिएबल x है जिसकी पावर 2 है, कांस्टेंट क्या उसके साथ है, 5 है। एक वेरिएबल x है यहाँ पे, इसका कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 9, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और आगे साइन क्या लगा है, माइनस का लगा है। इधर आप देखो 4 है और ये कांस्टेंट टर्म 4 है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पहचानना आसान है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग अब पहचान लेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे जो इसमें, और ये क्या हो गया, ये टर्म्स हो गया जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, ये वो टर्म्स हो गया। तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चेक क्या करना है, प्लस और माइनस देखिए, प्लस और माइनस जितनी बार आया है तो वो क्या करता है, एक्सप्रेशन को उतने पार्ट्स में तोड़ देता है, उतने टर्म्स। जैसे कि अगर यहाँ पे 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये प्लस इसको क्या किया, दो टर्म्स में तोड़ दिया, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अब यहाँ पे आप देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा, तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 4 टर्म्स होगा। तो ये आप बता सकते हो कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल हो गया, हम लोग वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 3z, हाँ इसमें भी 3 टर्म्स हैं। वेरिएबल्स कितने, 3 हैं, कौन कौन सा वेरिएबल, x है, y है, z है अपना वेरिएबल। अगर कांस्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे यूज हुआ है उसको यूज करें तो ये 3x के साथ, y के साथ 4 है और z के साथ भी 3 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स का, जो कि कनेक्टेड होते हैं इन ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जो चैप्टर ये है वो एक्चुअल में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स देखिए, जब भी आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ोगे बुक से तो एक भारी भरकम सा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ए नॉट एक्स होना चाहिए, ए नॉट होना चाहिए, फिर ए वन एक्स होना चाहिए, प्लस ए टू एक्स टू होना चाहिए, प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना चाहिए भैया, तो ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, है ना, फिर ए एन और एक्स एन, फिर क्या बोल देगा, ए एन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, देन इट इज अ पॉलिनोमियल, देन इट इज अ पॉलिनोमियल। ये घंटा समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है, कि क्या होता है।
तो हम लोग इसको आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो वैसा अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म्स हो, यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। जब ढेर सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो ये भी एक पॉलीनोमियल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो सब क्यों नहीं होता? तो इसमें कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन कि हम लोग को पॉलीनोमियल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अगर एक्स में है तो सारा कुछ क्या है, एक्स में है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? दूसरा, इसका जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इसका जो पावर होगा, या फिर इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, इसका जो डिग्री होगा, या फिर ये पॉलीनोमियल के ऊपर जो यहाँ पे आप एक्स के ऊपर देख रहे हो जो मल्टीप्लाई में, इसको इसका डिग्री बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? वो या तो जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या, एक होल नंबर, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, ना कि कोई निगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि भैया ये क्या लिख दिया है, इतना लंबा चौड़ा, और इसका माने क्या होता है। तो देखिए, सिंपल एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम टू लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 3x लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 5x क्यूब लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम लोग 7x का पावर 100 लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है कि 2 से शुरू हुआ, यहाँ पे x आया, यहाँ पे x स्क्वायर आया, यहाँ पे x क्यूब आया, इसके बाद x का पावर 4 आएगा, कहाँ तक आएगा, 100 तक जाना हम लोग को, क्योंकि ये रास्ता बना दिया हम, इसका मतलब तो यही हुआ ना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से है, 2 से, फिर यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, यहाँ पे x का पावर 2, इधर x का पावर 3, कहाँ तक गया, x का पावर 100 तक गया। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो a नॉट की जगह पे क्या आ गया, देखो 2 आ गया, करेक्ट, और यहाँ पे a1x, a1 की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे आप देखो a2x2 के a2 की जगह पे क्या आ गया। उसी तरह हम आगे जाएंगे तो a3x3, यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम लोग जनरल इक्वेशन हमेशा प्लस में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5 इसकी जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे तो ये लास्ट है, लास्ट चूंकि हम लोग को पता नहीं, ये 100 है, हो सकता है आपका बाजू वाला 150 लिख दे, उसका बाजू वाला कुछ और लिख दे, तो इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एन लेते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता लास्ट कहाँ पे होगा। तो ये लास्ट वाला जो होगा, कोई ना कोई तो अंत होगा ना जो एक्सप्रेशन आप लिखोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये x का पावर n है, यहाँ पे n 100 है, n कुछ भी हो सकता है, किसी का 150 भी हो सकता है। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले 99 होगा, तो n माइनस 1 मतलब क्या, इसके पहले पक्का x का पावर 99 रहा होगा। तो ये हो गया, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको हमने डिकोड किया अभी। तो यहाँ पे मेरा, अब चूंकि ये ए एन है तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आसान अब है कि ए एन बाकी 0 हो सकता है, ए एन 0 क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर ए एन को हम लोग 0 करते हैं तो 0 इंटू एक्स का पावर 100 क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म आपका पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन अगर ये a जो है हमारा ए एन, अगर ये 0 हो गया तो मेरा मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो लास्ट टर्म होगा, जो हमारा मैक्सिमम पावर होगा, वो 0 नहीं होगा। अगर आपको हम बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, पावर 3 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे 3 लिखोगे ए नॉट की जगह, एक एग्जांपल है, प्लस यहाँ पे आप मान लो 1x स्क्वायर लिखोगे, प्लस यहाँ पे आप 2x क्यूब लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपने x कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये आपका सही है, क्यों, क्योंकि आपने लिखा है x, कैसे लिखा है वो देखो, 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। यहाँ पे देखिए, ये मेरा a नॉट हो गया, ये मेरा a1 हो गया, 0 है, होल नंबर है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो ये मेरा a2 हो गया, ये मेरा a3 हो गया। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि आप बीच में तो 0 ले सकते हो, बट लास्ट को 0 नहीं लोगा। अगर लास्ट को 0 लेते तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर तक ही रह जाता। तो इसके लिए हम लोग ए एन को 0 नहीं लेते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि ये फॉर्मेट में होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो पावर होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। अब इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं, तो मैं आर्य सरवाल का एग्जांपल ले रहा हूँ,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम लोग चूंकि सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, ये है 7x² -4x+3। सबसे पहले चेक करना है वेरिएबल सिंगल है, हाँ जी है, करेक्ट, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा चेक करना है सारे वेरिएबल के ऊपर का पावर, इसके ऊपर का पावर कितना है 2, इसके ऊपर का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर 2 और 1 है, क्या ये इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकंड टिक बॉक्स भी चेक हो गया, तो सिंगल वेरिएबल भी हो गया और पावर इसका 0, 1, 2, 3, 4 भी हो गया, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे लिखा हुआ है एक्स का पावर 4 -2x³ + 5x + √2। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक्स का पावर 4, इधर एक्स का पावर 3, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स का पावर 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर मेरा 4, 3, 1 है, ये क्या है मेरा पावर, इंटीजर है पॉजिटिव वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल में फिट बैठ रहा है, क्यों, वेरिएबल भी सिंगल है। तो आप आई थिंक पॉलीनोमियल को पहचान सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल मान लीजिए, अगर लिखा हुआ यहाँ पे √x - 3, क्या ये पॉलीनोमियल है। अब देखिए रूट का वैल्यू होता है 1/2, कोई भी रूट लिखा हुआ है तो आप पावर में क्या लिखोगे, आप पावर में लिखोगे 1/2। तो अगर यहाँ पे अगर हमने x का पावर 1/2 कर दिया प्लस 3, सबसे पहला -3 सॉरी, वेरिएबल क्या है x है, तो पहला तो टिक हो गया कि भैया वेरिएबल x है, पावर देखिए 1/2, 1/2 क्या एक इंटीजर है, नहीं, 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग को सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो ये मेरा अब नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, x-1 x-3 / x है, ठीक है, x-1 x-2 x-3 है। अब इसको ये हम लोगों को क्या दिख रहा है कि हाँ भैया x है और पावर 1, 1, और इधर नीचे में भी 1 लिखा हुआ है, बट अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको हम लोग लेट सॉल्व इट, इसको पहले इंटू करते हैं, ये इंटू कैसे होगा x और पूरा ब्रैकेट x-3 में इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ -1 है, अपन -1 देंगे, फिर यहाँ पे x-3 से इंटू कर देंगे बट्टा 3। ठीक है जी, तो ये x² - 3x, ये माइनस है तो अंदर वाले के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -x + 3 / 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3 / x है, ठीक है, और ये x, अब चूंकि डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x² / x -4x / x + 3 / x, लिख सकते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बच गया, x से एक x कट जाएगा, तो x, ये x से ये कट गया, -4 कांस्टेंट है, वेरी गुड, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे में कोई डिनोमिनेटर में रहता, ऊपर में ले जाते तो -1 लगाते हैं, अब देखिए इसका पावर क्या हो गया -1, और यहीं पे क्या होगा, इसको हम लोग पॉलीनोमियल कैटेगरी से हटा दिए, तो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा और अब आप पॉलीनोमियल को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आरिस अग्रवाल ने ढेर सारे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिया हुआ है ना, तो आप किसी बुक को बना सकते हो, और आपको प्रॉब्लम हो इसमें किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ के हमसे ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ तक आई थिंक आपको पॉलीनोमियल लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी अपने को बस ये समझना है कि पॉलीनोमियल होता क्या है इस लेक्चर में, और पॉलीनोमियल के पहचानते कैसे हैं, कोई भी पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि पॉलीनोमियल के वेरियस डिग्रीज क्या क्या होती है, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो ये वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।